गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास. दिस इज डॉक्टर वर्षा एंड टूडे वी विल स्टडी लाइजोजोम्स. वी आर ऑलरेडी स्टडिंग सेल ऑर्गेनेल्स, सो इन दिस सीरीज टूडे वी विल स्टडी लाइजोजोम्स. लाइजोजोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स. लाइजोजोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड दे वर डिस्कवर्ड बाय बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन डी ड्यू इन 1949 थ्रू फ्रैक्शनेशन टेक्निक एंड हु नेम देम लाइजोसोम्स इन द ईयर 1955 एंड द ऑर्गेनेल्स वर ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय नोविकोव इन द ईयर 1956. तो जो लाइजोसोम्स होते हैं उनको क्रिश्चियन डी ड्यू ने 1949 में फ्रैक्शनेशन टेक्निक के थ्रू डिस्कवर किया था और लाइजोसोम्स नेम भी 1955 में उन्होंने ही दिया था. एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व नोविकोव ने 1956 में किया था. एंड लाइजोसोम कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड लिसिस एंड सोमा, जिसमें लिसिस का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोमा का बॉडी. सो लाइजोसोम्स आर ए स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मोबाइल वैक्यूलर ऑर्गेनेल्स विच कंटेन डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट क्रिस्टेलाइन ग्रेन्यूल्स ऑफ 5 to 8 नैनोमीटर एंड अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैव बीन रिकॉर्डेड टू अकर इन दैम एंड इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स डिस्कवर्ड आर 5 एसिड फॉस्फेटेज, 7 सल्फेटेज एंड 14 प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइडेजेस, 2 न्यूक्लिएजेस एंजाइम, 6 लाइपेजेस एंजाइम एंड 13 ग्लाइकोसाइडेजेस एंजाइम एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेजेस बिकॉज दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूजुअली फंक्शन इन एसिटिक मीडियम एंड पीएच अप टू 4 to 5 एंड एसिडिक कंडीशंस आर मेंटेन्ड बाय पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स बाय एटीपी डिपेंडेंट पंप. तो लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मोबाइल होते हैं, वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके अंदर डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. करीब 40 डिफरेंट टाइप के इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो 5 एसिड प्रोटीएजेस एंजाइम है आउट ऑफ 40, 7 सल्फेटेजेस हैं, 14 प्रोटीएजेस एंजाइम है. तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और इनको एसिड हाइड्रोलेजेस भी बोलते हैं, क्योंकि जो जो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं. 4 to 5 के बीच के इसके अंदर का मीडियम होता है और जो एसिडिक मीडियम होता है वो मेंटेन होता है प्रोटॉन पंपिंग, और ये प्रोटॉन की जो पंपिंग होती है वो एटीपी डिपेंडेंट पंप्स के थ्रू होती है. इनके ऊपर आउटर कवरिंग होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं ये, और ये कवरिंग जो है वही इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बाहर के सेल से सेपरेट करके रखती है. जो ये कवरिंग होती है बाहर की, दैट इज फ्रेजाइल इन नेचर, वीक होती है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ विटामिन ए विटामिन ई मेल एंड फीमेल हार्मोन्स बाइल सॉल्स कार्सिनोजेंस सिलिका एस्बेस्टस हीट एंड मैनी ड्रग्स एक्सरेज अल्ट्रावायलेट रेज, अगर इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, इसकी मेम्ब्रेन का भी फ्रेजाइल होती है, बस्ट भी हो सकती है.
And lysosomes are also called suicidal bags because of the presence of large number of digestive enzymes or acid hydrolases found inside them. And they have a capability to break down many types of biomolecules or digesting cell and unwanted materials. So, इनको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है कि सुसाइडल बैग्स किसको बोलते हैं. तो लाइजोसोम्स को ही सुसाइडल बैग्स बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे लिटिक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स या एसिड हाइड्रोलेजेस बहुत प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से ये जो होते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बायो मॉलिक्यूल्स को सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं और अनवांटेड जो भी मटेरियल होता है सबको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं. And now when we talk about the shape, they vary in shape and size. शेप जो वेरी करता है वो 0.2 to 0.8 मिली माइक्रॉन, एक्सक्यूज मी, बट समटाइम्स इट मे ग्रो अप टू 5 मिली माइक्रॉन इन ल्यूकोसाइट्स. तो इतना बड़ा साइज भी इनका हो सकता है किडनी सेल्स में भी. एंड लाइजोसोम्स अकर इन ऑल एनिमल सेल्स विद द एक्सेप्शंस ऑफ आरबीसी. इन प्लांट्स एंड फंजाई द फंक्शन इज टेकन ओवर बाई वैक्यूल्स. तो प्लांट्स और फंजाई के अंदर ये एबसेंट होते हैं, इनका फंक्शन वैक्यूल परफॉर्म करते हैं और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स एंड इट इज बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड बाई द ज्वाइंट एक्टिविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जाई कॉम्प्लेक्स. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जाई कॉम्प्लेक्स की वजह से बिलीव इसका ऐसा होता है कि इसके थ्रू ही ओरिजिनेट होते हैं. एंड द प्रिकर्सर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर मोस्टली सिंथेसाइज्ड एट RER is a rough endoplasmic reticulum and the later transfer them to the cis phase of Golgi complex to transition vesicles. In Golgi complex, the precursor are changed to enzymes. So, lysosomes, endoplasmic reticulum और Golgi complex की वजह से produce होते हैं. इनमें एक precursor hydrolytic enzymes जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है, उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाता है गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में. उसकी सिस फेज जो होती है, आपने पिछले मेरे लेक्चर में गोल्जाई कॉम्प्लेक्स पढ़ा हुआ है कि उसमें उसकी एक सिस साइड होती है और एक ट्रांस साइड होती है. तो ये सिस साइड से एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन वेसिकल्स और अंदर जाकर के ये चेंज हो जाते हैं एंजाइम्स की फॉर्म में और एंजाइम्स आर देन टैग्ड विद मैनोज 6 फॉस्फेट. तो मैनोज 6 फॉस्फेट से टैग हो जाते हैं, पैक होते हैं, उसके बाद पिंच ऑफ हो जाते हैं, बडेड ऑफ हो जाते हैं वेसिकल की फॉर्म में. एंड दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड लाइजोसोमल वेसिकल्स. दीज वेसिकल्स ज्वाइन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लेट एंडोसोम्स. तो पहले ये अर्ली एंडोसोम्स से या फिर लेट एंडोसोम्स से अटैच हो जाती हैं और बाद में लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन करती हैं. लाइजोसोम्स ग्रो इन साइज बिकॉज सो मेनी वेसिकल्स अटैच टू दैम एंड इंटरनल पीएच ऑफ लेट एंडोसोम इज एसिडिक एंड दिस रिलीजेस मैनोज 6 फॉस्फेट from lysosomal enzyme and the later become active for hydrolysis. तो इसके अंदर mannose 6 phosphate जो कि गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में टैग्ड हुई थी वो रिलीज होती है जिसकी वजह से इसके एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं. एंड एंडोसोम्स कंटेन मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर डाइजेशन. एंडोसोम्स आर फॉर्म्ड एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एंडोसाइटोसिस. And early endosomes release some material which move back to plasma membrane and its membrane develop transport protein and proton pump. So proton pumps make the interior
acidic medium, and lysosomes take part in the intracellular digestion of various types of material of endogenous or exogenous of origin. तो lysosomes सारे चाहे सेल के अंदर का मटीरियल या बाहर से एंटर हुआ हो उसको एक्सोजीनस बोलते हैं, सबको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं एंड दे हेल्प इन द रिमूविंग वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग कार्सिनोजेंस, तो ये उसको भी रिमूव करने का काम करते हैं. तो इसमें मैंने ये बताया आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का प्रिकर्सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होकर के सिस फेस से गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन वेसिकल्स एंड द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स द प्रिकर्सर आर चेंज इनसाइड द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स. वहाँ वो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है मेनो 6 फॉस्फेट से टैग होकर के लाइसोसोमल वेसिकल्स की फॉर्म में वहां से बडेड ऑफ हो जाता है. इसके बाद बहुत सारे ऐसे वेसिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर के लार्ज साइज के लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एसिडिक मीडियम के होते हैं और उनके अंदर मेनो 6 फॉस्फेट रिलीज होने से वो एक्टिव हो जाते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए. एंडोसोम्स जो होते हैं उनमें वो मैक्रोमोलिक्यूल्स का डाइजेशन करते हैं और एंडोसोम्स बाहर से एंटर आते हैं उसको कहते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. सो दे एंटर फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अर्ली एंडोसोम्स रिलीज सम मटेरियल विच मूव बैक टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कुछ मटेरियल बाहर वापस निकल जाता है. इट्स मेम्ब्रेन डेवलप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड प्रोटीन पंप. तो प्रोटॉन पंप की वजह से ही इसका मीडियम एसिडिक होता है और वो एक्सोजीनस और एंडोजीनस दोनों मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लाइसोसोम्स एंड द प्रिकर्सर इज प्रोड्यूस इनसाइड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो नीचे आप देखो RER लिखा हुआ, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच रिलीज द प्रिकर्सर विच एंटर इन द गोल्जाई एपरेटस. इस गोल्जाई एपरेटस की सिस फेस से ये प्रिकर्सर एंटर हुआ और उसके अंदर से होता हुआ मैनो 6 फॉस्फेट से वो टैग हो जाता है और वेसिकल्स की फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है. अब ये वेसिकल्स बडेड ऑफ हुई, बाहर निकल गई. दीज आर कॉल्ड लाइसोसोमल वेसिकल्स. दे आर टैग्ड विद मैनोस 6 फॉस्फेट और एंडोसाइटोसिस के थ्रू कुछ मटेरियल अंदर एंटर होता है. तो इन दिस प्रोसेस अर्ली एंडोसोम्स आर प्रोड्यूस and now these early endosomes convert into late endosomes and these lysosomes lysosomal vesicles they can attach to the early endosomes or can attach to the late endosomes and some vesicles they release by the process of exocytosis from to the outside of the cell and these late endosomes the covering or outer membrane of the late endosomes perform the function of proton pumping. So the medium of this late endosomes is acidic due to the proton pumps and the large lysosomes are produced having 4 to 5 pH. So they can easily digest all the material. Now the types of lysosomes, they are distinguished into 3 major types: heterophagic lysosomes, autophagic lysosomes and residual बॉडीज या टर्शियरी लाइसोसोम्स. तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स दे कैन एंटर एंड दे आर यूजुअली 0.5 मिलीमाइक्रॉन इन डायमीटर एंड फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जाई कॉम्प्लेक्स एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव प्रोसेस. जो अभी आपने लास्ट वाले डायग्राम देखा है और ये जो कुछ वेसिकल्स निकली इसमें से और वो बाहर निकल गई, दे आर रिलीज फ्रॉम द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स गोल्जाई एपरेटस एंड दे डू नॉट टेक पार्ट इन डाइजेशन.
तो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव प्रोसेस, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी प्राइमरी लाइजोसोम्स. सो सेकेंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी लाइजोसोम. सेकेंडरी लाइजोसोम्स आर ऑफ टू टाइप, हेट्रोफेजिक एंड ऑटोफेजिक, एंड टर्शियरी इज रेसिड्यूअल बॉडीज और टर्शियरी लाइजोसोम्स. तो आप ऐसे भी कह सकते हो या फिर आप सीधा सीधा जैसा लिखा हुआ वैसे भी बोल सकते हो कि दे आर ऑफ थ्री टाइप, हेट्रोफेजिक, ऑटोफेजिक एंड रेसिड्यूअल बॉडीज. सो हाइट्रोफेजिक लाइजोसोम्स, फर्स्ट वन इज हाइट्रोफेजिक लाइजोसोम्स और हाइट्रोफेजोसोम्स और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स. दे आर लाइजोसोम्स विद एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल फॉर डाइजेशन. दे मे कंटेन ओनली मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रॉट इन बाय एंडोसाइटोसिस और हाइट्रोफेगी. तो हाइट्रोफेगोसोम्स जो होते हैं, इफ द सबस्टेंस फॉर डाइजेशन कम फ्रॉम आउटसाइड द सेल बाय एंडोसाइटोसिस और हेट्रोफेगी एंड द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स आर डिफ्यूज्ड आउट इनटू द साइटोसोल थ्रू लाइसोसोमल मेम्ब्रेन. सो दीज आर कॉल्ड हेट्रोफेगोसोम्स. जब कोई भी मटेरियल बाहर से एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आता है, फॉरेन मटेरियल, तो उसको डाइजेस्ट करने का ये काम करते हैं. और ये जो पहले पहले ये अर्ली एंडोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर लेट एंडोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये लाइजोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और लाइजोसोम्स जो बाहर से मटेरियल आया उसके साथ डाइजेस्ट कर करके फेगोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. और डाइजेस्ट करने के बाद जो भी मटेरियल उसमें से निकलता है, तो डाइजेस्टेड मटेरियल लाइक अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर आर डिफ्यूज्ड आउट इनटू साइटोसोल थ्रू द लाइजोसोमल मेम्ब्रेन. तो आफ्टर डाइजेशन, जो डाइजेशन होने के बाद बाहर से जो भी मटेरियल आया था उसका डाइजेशन होने के बाद जो भी यूजफुल सब्सटेंस या डाइजेस्टेड मटेरियल निकलता है, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, शुगर वगैरह, उसको इनकी बॉडी से वो बाहर डिफ्यूज आउट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज ऑटोफेगोसोम्स और ऑटोफेजिक लाइजोसोम्स. ऑटोफेगोसोम्स, दीज लाइजोसोम्स यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डाइजेस्ट द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल इन विच दे अकर. तो दे परफॉर्म ऑटोफेगी और सेल्फ ईटिंग ऑफ वर्न आउट और डीजेनरेटेड इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर. ऑटोफेगी ऑफ लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैक्रोफेगी एंड द लार्जेस्ट लार्जर डीजेनरेट ऑर्गेनेल्स आर रैप्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वाइल स्मॉलर साइटोप्लाज्मिक बिट्स आर कवर्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन. तो ये जो होते हैं, ऑटोफेगी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग. तो ये जो भी मटीरियल जैसे सेल डेब्रिस है या डीजेनरेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं, इनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. और जो लार्जर डीजेनरेटिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होते हैं, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन के थ्रू रैप होते हैं, जिससे इजीली इनको आइडेंटिफाई किया जा सके. तो ये जो है, ये जो कि सेल डेब्रिस होती है या डीजेनरेटिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, इनको ऑटोफेगोसोम्स बोलते हैं. ऑटोफेगोसोम्स हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सेल डेब्रिस. तो उसको सेल डेब्रिस को डाइजेस्ट करते हैं. देयरफॉर लाइजोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड डिस्पोजल बैग्स और डिस्पोजल यूनिट्स. तो ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में कि व्हाई दे आर कॉल्ड डिस्पोजल बैग्स. तो बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी दे डिस्पर्स, दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द सेल डेब्रिस, दे डाइजेस्ट द सेल डेब्रिस. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिसाइकलिंग सेंटर बिकॉज डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू द सेल फॉर न्यू सिंथेसिस. एंड ऑटोफेजिक वैक्यूल्स प्रोवाइड नरिशमेंट ड्यू स्टारवेशन. जब स्टारवेशन या फूड की डेफिशिएंसी होती है उस समय ये फूड प्रोवाइड करवाते हैं इन्हीं मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करके. नंबर थर्ड इज रेसिडुअल बॉडीज और
tertiary lysosomes, and they are those lysosomes in which only indigestible food material have been left. तो ये वो lysosomes होते हैं, इसमें जो food material digest होने के बाद, digestion के बाद जो indigestible कुछ material बचा रह जाता है, जो digest नहीं हुआ है, वो इनके अंदर होता है. And the residual bodies or lysosomes pass outwardly and fuse with the plasma membrane to throw out the debris into external environment by एक्सोसाइटोसिस. तो ये जो भी मटेरियल इनके अंदर अनडाइजेस्टेड बचा होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर अटैच हो जाते हैं और बाहर थ्रो कर देते हैं. और समटाइम्स दैट रेसिडुअल बॉडीज रिमेन इनसाइड द सेल ड्यू टू फेल्यूअर ऑफ द एक्सोसाइटोसिस एंड एब्सेंस ऑफ सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. कभी कभी ये जो रेसिडुअल बॉडीज होती हैं, इनमें जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ था वो इन्हीं के अंदर रह जाता है, या तो एक्सोसाइटोसिस नहीं हो पाती है या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल डिजीज हो जाती है. इसको स्टोरेज डिजीज कहते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, एजिंग एंड पॉम्स डिजीज. ये सब जो होते हैं ना, इन द लॉन्ग लिव्ड इन सेल्स ऑल द रेसिडुअल बॉडीज आर नॉट एक्सोसाइटोस्ड, अ फ्यू रिमेन इन द सेल एंड दे एक्यूमुलेट फ्यूज एंड फॉर्म अ लार्ज वैक्यूल सिस्टम. इसको कहते हैं लिपोफिशन. तो कभी कभी किसी वजह से जो रेसिड्यूल जो बचता है रेसिड्यू, वो बाहर नहीं निकल पाता है, या तो एक्सोसाइटोसिस नहीं हो पाती है या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, इसकी वजह से ये सब स्टोर हो जाता है और स्टोरेज डिजीज बनाते हैं. इसमें इसकी वजह से एजिंग होती है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है और पॉम्स डिजीज भी हो सकती है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है. So now you can see the structure. This is Golgi complex, and from the cis phase, from the RER, some material released from the RER, and that material is actually, that material is a precursor of hydrolytic enzyme which is released in the form of vesicles. And some material from the outside the cell by the process endocytosis enter inside it and form a small vesicle that is called early endosomes. Early endosomes convert into late endosomes. These vesicles attach to it. So, मतलब जो भी hydrolytic enzymes Golgi body से आया था वो इसके अंदर मिक्स हो जाता है. और कभी कभी बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस सम सेल डेब्रिस और डीजेनरेटिंग ऑर्गेनल्स आर आल्सो एंटर इनसाइड द सेल. दीज आर कॉल्ड ऑटोफेगोसोम्स. दे आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑटोफेगोसोम्स. दे आर आल्सो डाइजेस्टेड बाय द लेट एंडोसोम्स. तो ये सारा मटेरियल जो है लाइजोसोम्स इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो भी इसके अंदर नरिशमेंट था वो न्यूट्रिएंट्स थे, लाइक शुगर और न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, वो सब निकल के साइटोसोल के अंदर चला जाता है. ये जो मेम्ब्रेन है लाइजोसोम्स के, इनसे ये बाहर निकल के चला जाता है, और इनको कहते हैं रेसिडुअल बॉडीज. तो ये वाले लाइजोसोम्स जो हैं वो रेसिडुअल बॉडीज हैं या टर्शियरी लाइजोसोम्स हैं. ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था वो यहाँ से निकल के एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज हो जाता है, बाहर चला जाता है. तो इसके अंदर आपको ऑटोफेगोसोम्स भी नज़र आ रहे हैं, रेसिडुअल बॉडीज मतलब जो टर्शियरी लाइसोसोम्स हैं वो भी दिख रहे हैं. ये हेट्रो, ये वाले जो होते हैं हेट्रोफेजिक जो होते हैं, ये हेट्रोफेगोसोम्स भी इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो ये इस डायग्राम में आपको सारे लाइसोसोम्स दिख रहे हैं. ये ध्यान से इस डायग्राम को आप ज़रूर बनाना कॉपी पे. Now the functions of lysosomes. Number one is extracellular digestion. For this, the lysosomes release enzymes in the external environment through exocytosis. तो इसके लिए ये क्या करते हैं, enzymes release करते हैं external environment में exocytosis के लिए. इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन एंड दे मे ऑब्टेन फूड थ्रू द फैगोसाइटोसिस. द सेम इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स. तो सेल डिवीजन में
फैगोसाइटोसिस के थ्रू फूड अंदर आता है, डिजेनरेटिंग मटेरियल वगैरह उसको वो डाइजेस्ट करते हैं लाइजोसोम्स और उनको फूड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन इज बॉडी डिफेंस। लाइजोसोम्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स रिजेक्ट फॉरेन प्रोटीन्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दे टेक पार्ट इन नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर बैक्टीरियम, दिस इज बैक्टीरियम विच इज एंटरिंग इन साइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। जब लार्ज मॉलिक्यूल एंटर होते हैं उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू लार्ज मॉलिक्यूल एंटर होता है एंड इट इज कवर्ड बाय द वेसिकल्स। लाइजोसोम्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड इट। नाउ द लाइजोसोम्स अटैच विद दिस वेसिकल एंड रिलीज देयर हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन इट एंड डाइजेस्ट द बैक्टीरियम। नाउ यू कैन सी द डाइजेस्टेड बैक्टीरियम, सो दिस इज डाइजेस्टेड बैक्टीरियम विच विल रिलीज थ्रू आउट द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज ऑटोफैगी। इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ मैनी एनिमल्स सर्टेन एम्ब्रियोनिक पार्ट्स लाइक टेल, गिल्स एट्सेट्रा आर डाइजेस्टेड थ्रू द एजेंसी ऑफ लाइजोसोम्स एंड द डाइजेस्टेड फूड इज यूज इन द ग्रोथ ऑफ अदर पार्ट्स। तो ऑटोफैगी का मतलब होता है कुछ एनिमल्स में जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो उनमें बहुत सारे एम्ब्रियोनिक पार्ट्स है जैसे टेल है, गिल्स वगैरह हैं, उनको ये खुद डाइजेस्ट कर देते हैं लाइजोसोम्स और ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो ग्रोथ में आगे यूटिलाइज होता है, इसको कहते हैं ऑटोफैगी। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब परेशानी, बाधाएं। तो ऑब्स्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स अगर कोई आ जाते हैं तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम लाइजोसोम्स करते हैं। एंड द मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, इसमें क्या होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द स्टारवेशन लाइजोसोम्स प्रोवाइड नरिशमेंट बाय रैपिडली हाइड्रोलाइजिंग द ऑर्गेनिक फूड स्टोर्ड इन द सेल लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज द फूड मटेरियल बाय द फैगोसाइटोसिस। मतलब लार्ज सॉलिड मटेरियल जब एंटर होता है तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो दिस फैगोसाइट दिस इज कवर्ड बाय द फूड वैक्यूल। नाउ दिस इज लाइजोसोम्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। नाउ दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज इन दिस फूड मटेरियल एंड दिस फूड इज डाइजेस्टेड एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय एंड जो भी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वेसिकल्स कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल बाहर निकल गया और जो यूजफुल मटीरियल था वो प्रोवाइड कर देते हैं स्टारवेशन के टाइम पर, ये फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नंबर सेवन इज इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग। इन लॉन्ग लिव्ड सेल द लाइजोसोम परफॉर्म इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग बाय रिमूविंग ओल्ड और यूजलेस ऑर्गेनेल्स। तो ये क्लीनिंग का भी काम करते हैं, जो भी पुराने यूजलेस ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पर्म लेसेंस। तो उसमें क्या होता है कि लाइजोसोम्स आल्सो हेल्प इन एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशंस एंड स्पर्म्स आर एबल टू पेनिट्रेट द एग कवरिंग बाय लाइजोसोमल एंजाइम्स कंटेन्ड इन देयर एक्रोसोम्स। तो एक्रोसोम्स मैंने आपको अभी पिछले अपने जब गोल्जाई कॉम्प्लेक्स बताया था तो बताया था कि एक्रोसोम्स जो होते हैं उसमें भी लाइजोसोम्स, वो टिप जो होती है स्पर्म की उसको एक्रोसोम्स होते हैं यहाँ पर, तो एक्रोसोम्स में भी लाइजोसोम्स होते हैं। तो लाइजोसोम जो होते हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं और जब पेनिट्रेशन होता है ओवम को तो जो उसके वो डाइजेस्ट करने का काम जो होता है वो लाइजोसोम्स परफॉर्म करते हैं, जो आउटर कवरिंग ऑफ द एग होगी उसको उसको डाइजेस्ट करते हैं ये। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ यूजलेस सेल्स, दे कॉज ब्रेकडाउन ऑफ एजिंग एंड डेड सेल्स। तो ये डेड और एज और डेड सेल्स को भी डाइजेस्ट करते हैं। स्टोरेज डिसीज इन सर्टेन रीजन ड्यू टू सम माल फंक्शन द रेसिडुअल बॉडीज डू नॉट अंडरगो एक्सोसाइटोसिस, इंस्टेड दे रिमेन इनसाइड द सेल एंड कॉज डिजीज
तो कभी कभी अभी आपने मैंने आपको बताया था कि कुछ माल फंक्शंस की वजह से जो भी रेसिडुअल बॉडीज होते हैं जिनको बाहर निकलना चाहिए था वो अनडाइजेस्टेड फूड अंदर ही रह जाता है और वो एक्सोसाइटोसिस नहीं हो पाती है और वो रहने के बाद वहाँ डिजीज कॉज हो जाती है। इसको कहते हैं हेपेटाइटिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन इन थायराइड। थायराइड की प्रॉब्लम आपको सबको पता होगी। तो थायराइड जब होती है तो एक्टिव हार्मोन थायरोक्सिन इज फॉर्म्ड थ्रू हाइड्रोलिसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन बाय द एजेंसी ऑफ लाइसोसोम्स। तो थायरोग्लोबुलिन की ये क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं लाइसोसोम्स, तो थायरोक्सिन रिलीज होता है। नेक्स्ट इज सेल डिवीजन। लाइसोसोम सीम टू बी एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन परहैप्स बाय ओवरकमिंग एजेंट्स दैट कॉज रिप्रेशन ऑफ माइटोटिक सेल। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सेल डिवीजन में कभी कभी रिप्रेशन हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको फिर से स्टार्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक चेंजेस। दे मे हार्म जेनेटिक मटेरियल थ्रू द रिलीज ऑफ न्यूक्लियसेस। इनके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है न्यूक्लियस, वो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को हार्म करता है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है, ब्रेकिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स ब्रेक हो जाते हैं और फिर एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड कैंसर भी हो सकता है। इट मे रिजल्ट ऑफ सच एंड एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी की वजह से ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो ये म्यूटेशन भी करते हैं कभी कभी, इनका न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को ब्रेक करने का काम करता है। नेक्स्ट इज कार्सिनोजिनेसिस। तो लाइसोसोम्स रिमूव कार्सिनोजन्स, मतलब कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड कार्सिनोजन्स। तो ये क्या करते हैं, कार्सिनोजन्स को रिमूव करने का काम भी करते हैं, इनको सेपरेट करके रिमूव कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में कार्सिनोजन्स होते हैं तो ये फिर नहीं उनको रिमूव कर पाते हैं, उल्टा ये सेल को ही हार्म कर देते हैं। ल्यूकोसाइट ग्रेन्यूल्स। ल्यूकोसाइट ग्रेन्यूल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द लाइसोसोम्स। तो ये ल्यूकोसाइट ग्रेन्यूल्स को भी का भी फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इज ऑस्टियोजेनेसिस। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स फ्रॉम कार्टिलेज एंड ड्यूरिंग रीमॉडलिंग ऑफ द बोन लाइसोसोम्स ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट कॉज ब्रेकडाउन ऑफ एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स। तो ये क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट की मैट्रिक्स को ब्रेक कर देते हैं एंड सो दैट इट मे बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन। तो वो इजीली रिप्लेस हो जाती है नई वाली से। तो जब बोन फॉर्मेशन हो रहा होता है तो कार्टिलेज और रीमॉडलिंग जब होती है बोन्स की, उस समय ये क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट की मैट्रिक्स को ब्रेक करने का काम कर देते हैं जिसकी वजह से न्यू वन से ये रिप्लेस हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।